प्रिया प्रिया Today in the subject of the manufacturing process, we are studying unit 7. In the case of the unit 7, today we study about the branching process. ये branching process आपको यहाँ पर आपको figure में आपको branching process, branching ये butt joint आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको branching rod है, ये आपको torch tip है और यहाँ पर आपको filler metal आपको डाला जाता है for the complete thickness. ये आपको बट ज्वाइंट आपको ब्राजिंग का आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस है, ये आपको ब्राजिंग फिलर मेटल है ना, और ये आपको लिक्विफाइड फ्लक्स है. ये इसमें तीन चीजें होती हैं ब्राजिंग में, एक तो टॉर्च टिप हो गया,
दूसरा ब्राजिंग फिलर मेटल हो गया और तीसरा आपको फ्लक्स हो गया। आपको ये टॉर्च टिप से आपको यहाँ पर आपको हिट दिया जाता है और ये ब्राजिंग फिलर मेटल को मेल्ट करता है और यहाँ पर आपको ज्वाइंट होता जाता है। ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस है, ये आपको आसान प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस था और ब्राजिंग प्रोसेस का आपको क्या डिफिनेशन है, पहले मैं आपको डिफिनेशन के बारे में आपको बताता हूं, है ना। ब्राजिंग प्रोसेस में आपको क्या, ब्राजिंग जो प्रोसेस है ना, ज्वाइनिंग ऑफ द मेटल बाय हिटिंग द बेस मेटल टू द टेम्परेचर एबव 800 डिग्री फारेनहाइट, 800 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर जब काम करते हैं ना तो उसको ब्राजिंग बोलते हैं। कल जो लेक्चर लिया था ना उसमें लेक्चर लिया हुआ था कि 800 डिग्री फारेनहाइट से अगर बिलो काम करते हैं तो उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। यहां पर 800 डिग्री फारेनहाइट से आप ऊपर काम करते हैं तो उसको ब्राजिंग बोलते हैं। और ब्राजिंग में दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको इसमें नॉन फेरस फिलर मेटल आपको मेल्ट किया जाता है बिलो द बेस मेटल, है ना। नॉन फेरस फिलर मेटल आपको मेल्ट किया जाता है बिलो द बेस मेटल, है ना। ये आपको मेनली आपको आपको ये आपको डिफरेंस है। ब्राजिंग ऑफर्स इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर द मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, इट डज नॉट अफेक्ट द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द ओरिजिनल मेटल। ये ओरिजिनल मेटल को आपको इफेक्ट नहीं करता है, ये इसके एडवांटेज है, जैसे कि वेल्डिंग में होता है। इसीलिए इसमें आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता है, ब्राजिंग का आपको आपको ये फायदा है। दूसरा आपको एडवांटेज है कि आपको इसमें डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन किया जा सकता है। ब्राजिंग जो है आपको डिसिमिलर मेटल के लिए आपको यूज किया जा सकता है ना। तो ये आपको ब्राजिंग का आपको एडवांटेज था। एक तो उसमें आपको स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होते थे, स्ट्रेसेस उसमें आपको प्रोड्यूस नहीं होता है, ये आपको एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज था कि आपको इसमें डिसिमिलर मेटल का आप यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया। ब्राजिंग में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, एक तो सोर्स ऑफ हिट है जो ब्राजिंग का टॉर्च है, दूसरा फिलर मेटल है एंड तीसरा फ्लक्स है। तीन चीजें आपको यूज होती हैं ब्राजिंग प्रोसेस में, एक तो सोर्स ऑफ द हिट है, दूसरा फिलर मेटल है एंड तीसरा आपको फ्लक्स है, है ना। तो जो आपको हीटिंग डिवाइस है, आपको वो टाइप एंड अमाउंट ऑफ द ब्राजिंग पे आपको डिपेंड करता है और इसके लिए इंडिविजुअल टॉर्चेज आपको यूज किया जाता है और यू कैन इंडिविजुअल ऑक्सी स्ट्रिटलेन और द मैप ऑक्सीजन टॉर्चेज आप ब्राजिंग में आप यूज कर सकते हैं। टॉर्च का प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया, टॉर्च वहां पे आपको यूज होता है। एक तो हीटिंग डिवाइस आपको यूज होता है और टॉर्च मैंने आपको दिखाया, दूसरा फिलर मेटल। फिलर मेटल जो इसमें होता है वो आपको नॉन फेरस मेटल होता है और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो द बेस मेटल होता है और वर्किंग एबव 800 डिग्री फारेनहाइट आपको ब्राजिंग में आपको होता है ना। फिलर मेटल हैव ए मस्ट हैव एबिलिटी टू बेंड एट वेट एंड बॉन्ड द बेस मेटल, वो बेस मेटल के साथ में ज्वाइन करने का प्रॉपर्टी आपको जरूर होना चाहिए, है ना। ब्राजिंग फिलर मेटल जो आपको रॉड के फॉर्म में आपको मार्केट में मिलता है, वायर के फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, परफॉर्म फॉर्म में मिलता है, ये आपको ब्राजिंग का आपको फिलर मेटल है जो आपको यहाँ पर आपको आपको स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये 8 आपको ब्राजिंग का फिलर मेटल है। ये देखिए सारे नॉन फेरस है। ब्राजिंग जो है नॉन फेरस एलॉय के लिए आपको ब्राजिंग किया जाता है। फेरस एलॉय के लिए आप वेल्डिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे ईसीबी सर्किट के लिए और ब्राजिंग करेंगे नॉन फेरस एलॉय के लिए। ब्राजिंग जो होता है नॉन फेरस एलॉय के लिए होता है। तो ये देखिए पहला बेस मेटल है सिल्वर बेस एलॉय,
दूसरा बेटा मेटल है एल्युमिनियम सिलिकन एलॉय, और तीसरा है कॉपर, चौथा है कॉपर जिंक एलॉय, पांचवा है कॉपर फास्फोरस एलॉय, छठा है गोल्ड एलॉय, सातवा है निकेल एलॉय और आठवां है मैग्नीशियम एलॉय। जो जो आपको यूज होता है फिलर मेटल, आपको जो यूज होता है ये आठ फिलर मेटल आप यूज होता है, आप इस फिलर मेटल को आप याद कर लीजिए। सिल्वर बेस एलॉय यूज होता है, एल्युमिनियम सिलिकन एलॉय यूज होता है, कॉपर आपको यूज होता है, कॉपर जिंक एलॉय यूज होता है, कॉपर फास्फोरस एलॉय आपको यूज होता है, गोल्ड एलॉय यूज होता है, निकेल एलॉय यूज होता है और मैग्नीशियम एलॉय यूज होता है ना। ये आपको फिलर मेटल आपको यूज होता है ना। और तीसरा जो आपको यूज होता है वो आपको आपको जो है वो आपको फ्लक्स है। तीसरा जो है आपको फ्लक्स है, और फ्लक्स जो है आपको जो सबस्टांस है वो आपको ऑक्साइड और कोई कंटामिनेंट वहां पर फॉर्म होने ब्राजिंग मेटल में आपको नहीं देता है ना। जो जो फ्लक्स है वो आपको वहां पर आपको फॉर्म होने नहीं देता है। ये आपको जो आपको फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं फ्लक्स में, ये बेस मेटल किस तरह का है, ब्राजिंग फिलर मेटल किस तरह का है, आपको उस पर आपको जो है आपको कंसीडर किया जाता है ना। तो ये आपको फ्लक्स जो है आपको पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और पेस्ट फॉर्म में आपको यूज किया जाता है, और ये आपको ये आपको ये आपको फ्लक्स है ना। फ्लक्स जो है आपको यहां पर आपको ये आपको पेस्ट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको अप्लाई किया जाता है। जो फ्लक्स होता है मेनली बोरेक्स होता है, मिक्सचर ऑफ द बोरेक्स होता है ना। और इसमें आपको फ्लक्स में कभी कभी आपको फास्फोरस का और हेलोजन साल्ट, आयोडीन का, ब्रोमीन का और फ्लोरीन और क्लोरीन का आपको यूज किया जाता है, और ये आपको फ्लक्स है ना। फ्लक्स में 12 पार्ट्स बोरेक्स एंड 1 पार्ट बोरिक एसिड आपको यूज किया जाता है। ये आपको ब्राजिंग का पहले आपको मैंने दिखाया, आपको दिखाया, मैं पहले ब्राजिंग प्रोसीजर फिर से आप लोग को दिखा दूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट आपको नए अभी ज्वाइन किए हैं। ये आपको ब्राजिंग प्रोसीजर है, आप देखिए ब्राजिंग प्रोसीजर में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राजिंग जो है आपको, ये आपको ब्राजिंग प्रोसीजर है। ब्राजिंग नॉन फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। आठ आपको मेटल मैंने आपको दिखाया, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो सोर्स ऑफ द हिट, ये आपको टॉर्च टिप है, ये आपको सोर्स ऑफ द हिट होता है। दूसरा होता है ब्राजिंग फिलर मेटल, और तीसरा होता है फ्लक्स, है ना। यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया गया है ब्राजिंग किस तरह से होता है, और यहां पर आपको दिखाया गया है ये आपको टॉर्च टिप है, ये आपको ब्राजिंग रॉड है, और ये आपको ब्राजिंग फिलर मेटल आपको यूज किया जाता है। आपको कंप्लीट थिकनेस को ये आपको आपको भरा जाता है। ये आपको ब्राजिंग, ये बट ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है, बट ज्वाइंट आपको ब्राजिंग का आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है, जो कि नॉन फेरस एलॉय के लिए ब्राजिंग को आप जो है यूज करते हैं, है ना। तो ये वापस हम चलते हैं, हम फ्लक्स में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स, है ना। ये जो ब्राजिंग फिलर मेटल मैंने आपको बताया आठ तरह के होते हैं, आठ तरह के आपको ब्राजिंग फिलर मेटल होते हैं। और दूसरा, ये सारे नॉन फेरस मेटल हैं, ये सारे आपको नॉन फेरस मेटल हैं, और इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बिलो 800 डिग्री से फारेनहाइट है। ब्राजिंग जो काम करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे नितेश जी। ब्राजिंग वो जो फिलर मटेरियल है उसका जो क्या प्रॉपर्टीज क्या होता है? ब्राजिंग फिलर मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो यही हम क्यों लेते हैं, मतलब फिल करने के लिए ब्राजिंग, यही मटेरियल क्यों यूज करते हैं? अच्छा, ब्राजिंग में ये मटेरियल क्यों यूज करते हैं, है ना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। तो देखिए, इसमें ब्राजिंग का जो हमारा प्रोसेस है, फिलर मेटल उस तरह का होना चाहिए जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको कम है, 800 डिग्री से आपको कम है, 800 डिग्री फारेनहाइट से
आपको मेल्टिंग टेम्परेचर आपको कम होना चाहिए, है ना। और ये इसका जो वर्किंग है 800 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर जो है आपको इसको वर्किंग होता है, तो ये नॉन फेरस मेटल के लिए ही यूज किया जाता है ना। ब्राजिंग में सिल्वर बेस अलॉय है, सिल्वर जो स्टील का ब्राजिंग नहीं होता, स्टील का वेल्डिंग होता है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आपको हाई है। स्टील का जो है ना, माइल्ड स्टील का आपको वेल्डिंग होगा, माइल्ड स्टील का ब्राजिंग नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, ये जो आपका जो ये जो मटेरियल आपको दिया हुआ ना, इसकी जो जो भी आपको दिया जा रहा ना, एल्युमिनियम सिलिकॉन एलॉय, कॉपर जिंक एलॉय, कॉपर फास्फोरस एलॉय, गोल्ड एलॉय, निकल एलॉय, मैग्नीशियम एलॉय, ये आपको मेल्टिंग टेम्परेचर पे आपको डिपेंड करता है। ये आपको सारे नॉन फेरस एलॉय है, है ना, ये आपके सारे नॉन फेरस एलॉय है। और ये जो है ना आपके जो आपको फिलर मेटल है ना, रॉड के फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है, वायर के फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। आप उसको ये आपको ब्राजिंग फिलर मेटल आपको देना पड़ेगा, 800 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर आपको गर्म करना पड़ेगा, है ना। 800 डिग्री फारेनहाइट से आपको जो सोर्स ऑफ हीट है, आपको मैंने टॉर्च टिप से आपको गर्म करना पड़ेगा, और ये वहां पे गर्म करना पड़ेगा, और फ्लक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लक्स को फ्लक्स का यूज किया जाता है कि वो आपको फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स आपको नहीं होने देगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड जो है को वो आपको मेटल सरफेस पे आपको आपको जो है वो आपको आपको रोकेगा, है ना। आपको आपका आपका सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला नितेश जी? हाँ नितेश जी, आपका आपसे मैं पूछ रहा हूं। जी सर, जी सर। हाँ, आपको मिल गया ना जवाब? हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ, वही मैं बोला कि इसकी जो आपको मेल्टिंग जो आपको जो टेम्परेचर है ना, वो आपको कम है, मेल्टिंग टेम्परेचर कम है। और इसको आपको ये जो टॉर्च यूज करते हैं, यहाँ पर दिखाया कि मैंने तीन चीजें इसमें यूज किया जाता है, आपको सोर्स ऑफ द हिट यूज किया जाता है, फिलर मेटल यूज किया जाता है, और फ्लक्स यूज किया जाता है। और जो आपको टॉर्च यूज किया जाता है वो ऑक्सीसिटिलीन टॉर्च होता है, मैप ऑक्सीजन टॉर्च होता है, ये आपको हिट प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको भी फिगर में आपको दिखाया। और दूसरा जो फिलर मेटल कौन कौन सा होता है वो मैंने दिखाया। और फ्लक्स जो यूज किया जाता है वो आपको ऑक्साइड को बनने के लिए रोकता है, और ये फ्लक्स जो है ये इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो जो फ्लक्स इसमें यूज होता है, यहाँ पर आपको बोरेक्स बोरेक्स आपको यूज होता है, और दूसरे जो आपको फ्लक्स यूज होते हैं वो आपको फास्फोरस एंड हैलोजन साल्ट्स, आइदर ओडीन, आयोडीन, ब्रोमाइड, फ्लोरीन, ये आपको यूज होते हैं, है ना। ये आपको 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 ब्राजिंग में होते हैं। ब्राजिंग में जो ज्वाइंट डिजाइन होता है ना, ये आपको लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो बेसिक ज्वाइंट्स होते हैं, लैप लप बैट आपको यूज होता है, और ज्वाइंट्स कैन बी फाउंड इन द फ्लैट राउंड एंड टेबुलर इरेगुलर शेप में आपको यूज करते हैं। ये जो ज्वाइंट्स है ना, ये आपको लैप ज्वाइंट्स में, हम लोग बट ज्वाइंट में और स्क्रैप ज्वाइंट, ये तीन तरह के ज्वाइंट्स ब्राजिंग में बनाते हैं, है ना। लैप ज्वाइंट बनाते हैं, बट ज्वाइंट बनाते हैं और स्क्रैप ज्वाइंट बनाते हैं। यहाँ पर आपको 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 दिया हुआ है 0.012 to 0.03 इंच ऑफ द एलॉय थिकनेस, ये आपको यहाँ पर आपको बनाया जाता है, ये आपको ब्राजिंग का बनाया जाता है। ये आपको बहुत ही आपको खूबसूरत प्रोसेस है, और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है आपको आपको ज्वाइंट में, है ना। ये प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आपको देता है ये, है ना। जो ज्वाइंट होता है इसमें आपको बट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट का मैंने आपको फिगर दिखाया है ना, उसमें आपको बीच में ज्वाइंट का जो थिकनेस है 0.01 to 0.03 इंच के बराबर आपको दिया जाता है। और तीसरा स्क्रैप ज्वाइंट मैंने आपको बताया, आपको फिगर में दिखाया, इसमें 30 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल का एरिया दिया जाता है आपको, ये आपको स्क्रैप में आपको आपको दिया जाता है। और दूसरा गुड ब्राजिंग रिजल्ट्स के लिए देखिए, ये सारे ज्वाइंट्स आपको ब्राजिंग में आपको बनाए जाते हैं, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड लैप ज्वाइंट, बट लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट ज्वाइंट, ये सारे ज्वाइंट्स आपको ब्राजिंग में बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर उसका सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि ब्राजिंग में किस तरह के ज्वाइंट होते हैं। ये आपको बट ज्वाइंट आपको दिखाया गया है पाइप का,
ये आपको लैप ज्वाइंट दिखाया गया है पाइप का, मॉडिफाइड लैप ज्वाइंट दिखाया गया है पाइप का, पीएस ज्वाइंट दिखाया गया है पाइप का, बट लैप ज्वाइंट दिखाया गया है और मॉडिफाइड बट लैप ज्वाइंट पाइप का आपको दिखाया गया है ना। ये जो आपको ज्वाइंट डिजाइन होता है आपको ब्राजिंग में टू प्रोड्यूस द गुड रिजल्ट, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ब्राजिंग में किस तरह का ज्वाइंट जो है हम लोग यूज करते हैं, है ना, है ना। तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर गुड आपको ज्वाइंट दिखाया जा रहा है, ये आपको पुअर आपको ज्वाइंट आपको नीचे दिखाया जा रहा है, ये आपको गुड ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको पुअर ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है ना। ये देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपको गुड ज्वाइंट है, ये आपको पुअर ज्वाइंट है। यहाँ पर आपको ज्वाइंट सही बना है, ये आपको पुअर ज्वाइंट है। यहाँ पर ज्वाइंट सही बना है, यहाँ पर आपको पुअर ज्वाइंट है, है ना। यहाँ पर आपको ज्वाइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको पुअर ज्वाइंट है। आपको ज्वाइंट को कैसे आपको ब्राजिंग में होता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। और ब्राजिंग में ब्राजिंग का आपको यही प्रोसेस था, और है ना, और जो इसमें फिलर मेटल है उसका आपको ज्यादा आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए सारा कितने फारेनहाइट में आपको हर एक फिलर मेटल का, आप जो सवाल कर रहे थे सिल्वर कॉपर, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपको स्पेशल एलॉय जो यूज किया जाता है, हर एक का मेल्टिंग टेम्परेचर, आपको कलर, ये सारा आपको दिखाया जा रहा है। सिल्वर कॉपर जिंक, इसका इसमें यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ इसका मेल्टिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कब में फ्लो होता है वो आपको सिल्वर ब्राजिंग का, आपको सिल्वर ब्राजिंग मेटल एलॉय का, आपको स्पेसिफिक का आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस है ना, ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस है ना। ब्राजिंग प्रोसेस को मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ये आपको ब्राज ज्वाइंट आपको किस तरह बनाया जाता है ये आपको दिखाया गया है। ये आपको टॉर्च टिप है, जो आपको ऑक्सीसिटिलिन टॉर्च टिप होगा, ये आपको ब्राजिंग रॉड होगा, और आपको यहां पर फ्लक्स दिया जाएगा, ये आपको बट ज्वाइंट है, यहां पर आपको ब्राजिंग किया जा रहा है, है ना। ये आपको टॉर्च टिप है, ये आपको ब्राजिंग फिलर मेटल है, ये आपको लिक्विफाइड फ्लक्स है, आपको ब्राजिंग फिलर मेटल इन द ज्वाइंट आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको ब्राजिंग का प्रोसीजर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो ब्राजिंग प्रोसेसर में आपको ज्वाइंट किस तरह के होंगे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, गुड ज्वाइंट, और ये आपको आपको दिखाया जा रहा है पुअर ज्वाइंट। ये आपको गुड ज्वाइंट के आपको एग्जांपल बताए जा रहे हैं, ये आपको पुअर ज्वाइंट के आपको एग्जांपल बता रहे हैं। ब्राजिंग में जो जो ज्वाइंट आपको होता है, ये आपको सारे ज्वाइंट आपको यहाँ पे आपको दिखाए गए, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट ज्वाइंट, मॉडिफाइड लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट लैप ज्वाइंट, पियर्स ज्वाइंट आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट ज्वाइंट, मॉडिफाइड लैप ज्वाइंट, पियर्स ज्वाइंट, बट लैप ज्वाइंट, मॉडिफाइड बट लैप ज्वाइंट, ये आपको जितने ज्वाइंट होते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है ना। ब्राजिंग का प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ब्राजिंग का प्रैक्टिकल होने से सभी तरह का जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट डिजाइन का आपको आइडिया हो जाता है। ये आपको लैप ज्वाइंट है, इसमें आपको 0.012 से 0.03 इंच एलॉय थिकनेस को यूज करते हैं, 0.012 से 0.03 इंच थिकनेस वो आपको यूज करते हैं। आपको ये आपको स्क्रैप ज्वाइंट है, ये आपको बट ज्वाइंट है, ये आपको लैप ज्वाइंट है ना। तो ब्राजिंग प्रोसीजर में आपको डिफिनेशन में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको इसका बेस मेटल का टेम्परेचर 800 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर होता है, और इसमें नॉन फेरस मेटल का यूज किया जाता है, और विच मेल्ट्स बिलो द बिलो बेस मेटल, ये आपको ब्राजिंग का डिफिनेशन है। इसके एडवांटेज है कि इसमें आपको स्ट्रेस नहीं होता है, हीट ट्रीटमेंट जो ओरिजिनल मेटल में जो आपको वेल्डिंग में होता था वो आपको इसमें नहीं होता है, और दूसरा है कि ये आपको डिसिमिलर मेटल के लिए आपको यूज किया जाता है। फिलर के बारे में आपको मैंने बताया, और फिर आपको ब्राजिंग फिलर मेटल के बारे में बताया, और हीटिंग सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हीट सोर्स आपको ऑक्सीसिटिलिन होगा, ऑक्सीसिटिलिन टॉर्च होगा, है ना। अब मैं आपका अटेंडेंस आपका ले लेता हूं।
अमन कुशवाहा जी 5, मोहित अधाना जी 21, नितेश मिश्रा जी 23, रोहित कुमार जैन जी 35, तुषार कनौजिया जी 32, अमन सिंह जी 6, आशुतोष सिंह जी 12, चंचल कौशिक जी 13, जतिन आर्या जी 16, इसमें काफी स्टूडेंट अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, उसमें आपका अनूप कुमार जी हैं जो क्लास नहीं कर रहे हैं, कार्तिक तंवर जी हैं वो क्लास नहीं कर रहे हैं, संचित अरोड़ा जी हैं वो क्लास नहीं कर रहे हैं, शिवा जी हैं वो आपको क्लास नहीं कर रहे हैं, ये आपको 2, 3, और 4 स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल क्लास नहीं कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट आए हुए हैं फिर से मैं आपको अटेंडेंस बना देता हूं, जतिन आर्या जी 16%, चंचल कौशिक जी 13%, आशुतोष सिंह जी 12%, अमन सिंह जी 6%, तुषार कनौजिया जी 32%, रोहित कुमार जैन जी 35%, नितेश मिश्रा जी 23%, मोहित अदाना जी 21%, अमन कुशवाहा जी 5%। इसमें ब्राजिंग का आपको प्रोसीजर के बारे में आपको मैंने बताया, सोल्डरिंग के बारे में बताया, जो ब्राजिंग का जो आपको सरफेस प्रिपरेशन है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ब्राज ज्वाइंट जो बनाते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। मैं दूसरा स्लाइड आपको चेंज किया हूँ, इसमें आपको कंपेरिजन में बताने के लिए आपको चेंज किया हूँ, व्हाट आर द कंपेरिजन बिटवीन वेल्डिंग सोल्डरिंग एंड द ब्राजिंग। ये कंपेरिजन आपको इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है कि आपको ब्राजिंग में वेल्डिंग और में सोल्डरिंग में और ब्राजिंग में आपको क्या क्या जो है आपको डिफरेंस है ना। देखिए पहला आपको जो डिफरेंस है यहाँ पर नंबर 2 में आइए, आपको इसमें टेम्परेचर में है, टेम्परेचर में है। इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड अप टू द 3800 डिग्री ऑफ द सेंटर ऑफ द वेल्डिंग जोन, इसमें टेम्परेचर आपको 3800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको यहां पर जा सकते हैं वेल्डिंग में, है ना। आयरन का 1500 आता है तो यहां पर वो मेल्ट कर देता है, आयरन को मेल्ट कर देता है। सोल्डरिंग में जो टेम्परेचर है वो अप टू द 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें आपको जाते हैं। इसमें एल्युमिनियम सोल्डर जनरली यूज होता है, ये आपको सोल्डरिंग है। और ब्राजिंग में आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें जाते हैं, है ना। ये आपको पहला डिफरेंस है आपको टेम्परेचर का। और दूसरा डिफरेंस है दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट यूज टू बियर द लोड, ये आपको सबसे वेल्डिंग जो है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट है, तीनों ज्वाइंट में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट मे बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल, जो बेस मेटल होता है बेस मेटल से आपको ज्यादा स्ट्रेंथ आपको वेल्डेड ज्वाइंट का होता है। सोल्डरिंग जो है आपको वीकेस्ट ज्वाइंट ऑफ द 3 है एंड नॉट मीन टू बियर द लोड, ये आपको लोड बियर करने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए आपको सोल्डरिंग का यूज किया जाता है, पीसीबी सर्किट को बनाने के लिए सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। और ब्राजिंग जो है ये दोनों के बीच का आपको स्ट्रॉन्गर ज्वाइंट है, दीज आर स्ट्रॉन्गर देन द सोल्डरिंग बट वीकर देन द वेल्डिंग, ये आपको लोड को सहने के लिए आपको यूज किया जा सकता है।
है ना. वेल्डिंग में वर्क पीस टू बी ज्वाइन नीड टू बी हिटेड देयर अप टू द मेल्टिंग पॉइंट. इसमें मेल्ट किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट तक आपको पहुंचाया जाता है और आपको मेल्ट किया जाता है आपको वेल्डिंग में. इसमें सोल्डरिंग में नो नीड टू हिट द वर्क पीस. इसमें आपको हीटिंग का, आपको वर्क पीस को हीटिंग का आपको जरूरत नहीं है. इसमें सोल्डर को मेल्ट करके उस पर गिरा देते हैं. वर्क पीस आर हिटे बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट. वर्क पीस इसमें आपको हिट किया जाता है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट. ये आपको हीटिंग का तीसरा डिफरेंस है आपको तीनों प्रोसेस में, वेल्डिंग सोल्डरिंग और ब्राजिंग में, है ना. वेल्डिंग सोल्डरिंग ब्राजिंग ये तीनों प्रोसेस मैं आपको आपको बताया. और आपको चौथा आपको डिफरेंस है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस मेटल में चेंज एट द ज्वाइंट ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग. इसमें स्ट्रेसेस आपको डेवलप होते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेसेस. मैंने आपको पहले बताया कि वेल्डिंग में रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको डेवलप होते हैं. वो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस मेटल को चेंज कर देता है. हीटिंग और कूलिंग होता है उससे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको चेंज हो जाता है ना. और बीच वाला आपको सोल्डरिंग का था, इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी आफ्टर द ज्वाइंट आपको चेंज नहीं होता है ना. और ब्राजिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको चेंज हो भी सकता है लेकिन ये आपको निग्लिजिबल है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी का चेंज के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है. और पांचवा है आपको कॉस्ट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा है. इसमें आपको कॉस्ट जो लगेगा आपको हाई है एंड हाई स्किल लेवल इज रिक्वायर्ड. जो ह्यूमन स्किल उसमें आपको वेल्डर चाहिए, आपको मैनुअल वेल्डिंग होगा, वेल्ड ज्वाइंट आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा नहीं तो आपके पार्ट्स आपको रिजेक्ट होंगे, है ना. जो वेल्डिंग करना पड़ेगा आपको अच्छा वेल्डिंग करना पड़ेगा तो आपको इसमें आपको हीट कॉस्ट जो है आपको ज्यादा आपको लगेगा इन कंपेरिजन टू द थ्री प्रोसेस. आपको सोल्डरिंग में जो है आपको कॉस्ट आपको कम लगता है, स्किल रिक्वायरमेंट भी कम है. वहां पे सिर्फ जो है सोल्डर को मेल्ट करके आपको वायर के पीसीबी वायर पे आपको गिराना है तो आपको कॉस्ट भी कम लगता है और स्किल रिक्वायर्ड भी आपको कम लगता है. और कॉस्ट इन्वॉल्व एंड द स्किल रिक्वायर्ड आपको इसके दोनों के बीच में लगता है. ये आपको आपको ब्राजिंग प्रोसेस है ना, ये आपको ब्राजिंग प्रोसेस है. छठा आपको डिफरेंस है हीट ट्रीटमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द वेल्डिंग. इसमें आपको अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द वेल्डिंग होता है. मैंने पहले ही लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, डिस्टॉर्शन होता है तो आपको हीट ट्रीटमेंट आपको इसमें आपको जरूरी है. हीट ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना. आपको इलिमिनेट अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ये आपको हटाने के लिए आपको हीट ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा. इसमें आपको हीट ट्रीटमेंट की आपको कोई जरूरत नहीं है. सोल्डरिंग में कोई हीट ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है. ब्राजिंग में भी नो हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ब्राजिंग. आपको सिर्फ वेल्डिंग में आपको जो है आपको हीट ट्रीटमेंट का आपको रिक्वायरमेंट होता है, उसमें आपको डिस्टॉर्शन होता है ना. इसमें प्री हीटिंग के बारे में आपको डिस्कस किया गया. नो प्री हीटिंग ऑफ द वर्कपीस इज रिक्वायर्ड बिफोर द वेल्डिंग एज इट इज कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर. ये आपको काफी हाई टेम्परेचर पे, मैंने आपको टेम्परेचर दिखाया, आपको काफी हाई टेम्परेचर पे आपको काम करता है वेल्डिंग. आपको प्री हीट नहीं करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा मेल्ट कर देता है. वेल्डिंग को जो है मेल्ट कर देता है, ये है ना, वेल्डिंग को मेल्ट कर देता है. और इसमें आपको प्री हीटिंग ऑफ द वर्कपीस में आपको सोल्डरिंग आपको ज्वाइंट आपको बढ़िया मिलता है. फॉर द मेकिंग द गुड क्वालिटी ज्वाइंट आप तो प्री हीटिंग कर देंगे तो आपको बढ़िया मिलता है. अगर ब्राजिंग में भी प्री हीटिंग कर देते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट मिलता है एट द रिलेटिवली लो टेम्परेचर, है ना. ये तीनों का आपको डिफरेंस मैंने आपको यहां पर आपको बताया
ये तीनों का आपको डिफरेंस यहां पर आपको मैंने बताया। तो इसमें आप जो है कई तरह का बिल्डिंग मैंने आपको बताया, ये आप उसका उसका प्रोजेक्ट कीजिए, उसको मेटल को चेंज कीजिए, उसका जो बिल्डिंग पैरामीटर है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं उसमें करंट को आप चेंज कीजिए, उसमें देखिए कि किस तरह का बिड बनता है, उस पे जो है कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कीजिए, है ना। तो उससे आपको जल्दी जो है आपको किसी इंडस्ट्री में आपको आपको जॉब मिल जाएगा। आप कोई प्रोजेक्ट अच्छा किए हुए रहेंगे, जनरली फॉल्ट यही होता है कि बच्चे अच्छे प्रोजेक्ट करते नहीं है और यहाँ पर उनका ड्रॉबैक हो जाता है। आपको थ्योरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपको बताया जा रहा है कि हर एक तरह का वेल्डिंग का आप उस पर जो है आप इंडस्ट्री में आप उस पर प्रोजेक्ट कर लीजिए, आपको सोल्डरिंग में ब्राजिंग में भी आप उसका प्रोजेक्ट कर लीजिए, कैसे होता है नहीं होता है, आप उसके हर एक वेल्डिंग पैरामीटर को उसको वेरी कीजिए, आप उसका ग्राफ बनाइए, आप उसका टेबल बनाइए, सक्सेस विल बी श्योर, है ना। आपको सक्सेस जो है बिल्कुल आपको आपको जो है ये आपको आपको श्योर मिलेगा। ये कंपैरिजन बिटवीन द बिल्डिंग सोल्डरिंग एंड ब्राजिंग मैं आपको यहां पर आपको बताया था, इसको मैं फिर से आपको दोबारा आपको मैं क्लियर करा देता हूं। वेल्डिंग का जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड है अप टू 3800 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द वेल्डिंग जोन, है ना। आप यहां तक टेम्परेचर इसमें बढ़ा सकते हैं। सोल्डरिंग में टेम्परेचर कम रहता है, इसमें सोल्डर यूज करते हैं और इसमें आपको टेम्परेचर कम रहता है। ब्राजिंग में आपको इन दोनों के बीच में आपको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ब्राजिंग करते हैं। ये पहला डिफरेंस है टेम्परेचर का, है ना। और यहां पर वेल्डिंग में आपको स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट मिलता है टू बियर द लोड, जिसमें कि लोड को आप बियर कर सकते हैं, है ना। लोड को आप जो है स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट मिलता है, आप कहीं भी जो आपको ट्रस वगैरह बनता है, ब्रिज वगैरह बनता है, वहां पर आपको वेल्डिंग यूज किया जाता है। रूफ का ट्रस बनता है जहां की लोड को बियर करने का आपको कैपेसिटी है, और ब्रिजेज बनते हैं बहुत तरह के जो है, तो वहां पर आपको वेल्डिंग का यूज किया जाता है ना। जहां पर लोड को बियर करना होता है, जहां पर स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मेटल का रिक्वायरमेंट है, वहां पर वेल्डिंग का आपको यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आपको मेनली पीसीबी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वायर को आपको जोड़ने के लिए आपको सोल्डर का यूज किया जाता है, सोल्डरिंग का आपको यूज किया जाता है। पीसीबी सर्किट को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए आपको सोल्डरिंग का आपको यूज किया जाता है। ब्राजिंग आपको नॉन फेरस एलॉय में ब्राजिंग करते हुए आपने कई शॉप में भी देखा होगा, कॉपर वगैरह एल्यूमिनियम वगैरह का ज्वाइंट को ज्वाइन करने के लिए आपको ब्राजिंग का आपको यूज करते हैं। आपको तो ये आपको इसमें आपको वीकेस्ट ज्वाइंट होता है, ये आपको दोनों के बीच में आपको ज्वाइंट करते ज्वाइंट होता है, है ना। तीसरा इसमें आपको जो है वर्क इज टू ज्वाइन नीड टू बी हीटेड टिल देयर मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मेल्ट किया जाता है, वर्कपीस को मेल्ट किया जाता है, वर्कपीस को इसमें आपको जो है आपको आपको जो है मेल्ट किया जाता है, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट करके मेल्ट करके दोनों ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट बनाना है, बट ज्वाइंट बनाना है, जो भी ज्वाइंट बनाना है आपको वेल्डिंग रॉड उसमें दिया जाता है और मेल्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, वेल्डिंग रॉड को भी मेल्ट होता है, इसमें आपको डिफ्यूजन होता है ना, पार्ट में डिफ्यूजन होता है। आप हर एक तरफ का रेसिस्टेंस वेल्डिंग में भी स्पॉट वेल्डिंग था, सीम वेल्डिंग था, आपको प्रोजेक्शन वेल्डिंग था, उसमें आपको मेटल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिफ्यूज करता था, मेल्ट करके आपको डिफ्यूज करता है, ये आपको वेल्डिंग में भी है, आर्क वेल्डिंग में भी, गैस वेल्डिंग में भी आपको वहां पर जो है मेटल को मेल्ट किया जाता है, ये आपको वेल्डिंग में मेल्ट किया जाता है। सोल्डरिंग में वर्कपीस को हिट करने की जरूरत नहीं है, वर्कपीस को आपको रख दिया गया, सोल्डर लाया गया, शोल्डर टॉर्च लाया गया और उसमें शोल्डर ला करके शोल्डर को गर्म करके आपको मेल्ट कर दिया जाता है, उसको शोल्डरिंग बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपको वर्कपीस को हिट करने की जरूरत नहीं है। और ब्राजिंग में वर्कपीस को हिट किया जाता है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको तीसरा डिफरेंस आपको आपको हीटिंग का था, है ना, ये तीसरा डिफरेंस आपको हीटिंग का था।
तो आज हम लोगों ने, और चौथा डिफरेंस इसमें आपको मैंने बताया था कि आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी का है, इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस मेटल चेंज कर जाता है एट द ज्वाइंट ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग। इसमें हीटिंग होता है, कूलिंग होता है, हीटिंग होगा, कूलिंग होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेस मेटल का चेंज कर जाता है। इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको चेंज आपको नहीं करता है, है ना। इसी ब्राजिंग में चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ज्वाइंट बट इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, थोड़ा सा हल्का चेंज करता है, ये आपको यहाँ पे बताया था। कॉस्ट आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको सोल्डरिंग में सबसे कॉस्ट कम लगेगा, इस ह्यूमन स्किल रिक्वायरमेंट सबसे कम है, इसमें आपको कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, स्किल की रिक्वायरमेंट भी वेल्डिंग में ज्यादा है, गैस वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में, जब तक वेल्डर आपको अच्छा नहीं रहेगा ना तो आपको ज्वाइंट अच्छा नहीं मिलेगा, काफी डिफेक्ट इसमें ज्यादा है, इसमें वेल्डिंग में डिफेक्ट्स ज्यादा है, गैस इंटरप्शन हो जाता है, आपको कई तरह के डिफेक्ट्स मैंने वेल्ड डिफेक्ट्स आपको बताए थे, उसमें आपको वेल्ड डिफेक्ट्स इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें आपको हाई स्किल का आपको लेवल का जो है आपको वेल्डर का आपको रिक्वायरमेंट है, हाई स्किल का वेल्डर का इसमें चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट को सही ढंग से वो टॉर्च में आपको देख करके आपको ज्वाइंट आपको सही बनाए, इसमें हाई स्किल लेवल की आपको जरूरत है। और जो आपको इसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे उसका जो इसके लिए मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, रेसिस्टेंस वेल्डिंग में आपको मशीनरी चाहिए, मिग वेल्डिंग में आपको मशीन चाहिए, टिक वेल्डिंग में आपको मशीन चाहिए, इसीलिए कॉस्ट इन्वॉल्व इसमें ज्यादा है। सोल्डरिंग में आपको मशीन नहीं चाहिए, एक सोल्डर आयरन चाहिए, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व आपको कम है और स्किल रिक्वायरमेंट भी कम आपको कम है। ब्राजिंग में आपको दोनों के बीच में है, इसमें भी कॉस्ट ज्यादा नहीं चाहिए, एक तो टॉर्च चाहिए, तो ये सोल्डरिंग से ज्यादा लगेगा और वेल्डिंग से कम लगेगा, और स्किल रिक्वायर्ड दोनों के बीच में चाहिए, ये आपको इसके कॉस्ट के बारे में बता रहा है। और आपको छठा डिफरेंस आपको बता रहा है हीट ट्रीटमेंट, आपको हीट ट्रीटमेंट इसमें आपको करना ही पड़ेगा वेल्डिंग में, क्योंकि इसमें आपको डिस्टॉर्शन होता है, इलिमिनेट द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द वेल्डिंग, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, तो आपको हीट ट्रीटमेंट इसमें आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपको हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ब्राजिंग में भी हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ब्राजिंग, इसमें ब्राजिंग में भी करने की आपको 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 जरूरत नहीं है। नो आपको इसमें प्री हीटिंग का आपको जरूरत नहीं है, इसमें आपको हाई मेल्टिंग टेम्परेचर में आपको मेल्ट कर देता है ना। प्री हीटिंग द वर्क पीस बिफोर द सोल्डरिंग इज द गुड, यहां पर अगर सोल्डरिंग में आप प्री हीटिंग कर देते हैं तो आपको ज्वाइंट आपको बढ़िया मिलता है, ब्राजिंग में भी आप प्री हीटिंग कर देंगे तो आपको ज्वाइंट आपको आपको अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये आपका आज का जो है आज का लेक्चर था।